आज डिस्कस करेंगे क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन के बारे में। जो क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करता है, उसके साथ इसकी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो क्लोज्ड साइकिल का क्या मतलब है कि ये जो साइकिल है ये ऐसा वर्किंग फ्लूड यूज़ करेगी जो कि रिपीट होता रहेगा, मीन्स वो साइकिलिंग रिपीट होती रहेगी जो भी प्रोसेस होगी, तो प्रोसेसेस उस वर्किंग फ्लूड के ऊपर रिपीट होती रहेंगी। और गैस का मतलब है कि हम इसके अंदर क्लोज्ड साइकिल के अंदर एक वर्किंग फ्लूड जो है वो गैस के तरह यूज़ करेंगे। वो हमारी एयर हो सकती है, वो हमारी आर्गन हो सकती है, वो हमारी हीलियम हो सकती है, जो भी हमारी गैस हमें यूज़ करनी है वो हम यूज़ करेंगे। और टरबाइन मतलब जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के अंदर ये चीज़ें हमें करनी है। क्लोज साइकिल होगी जिसके अंदर एक तरह की हम वर्किंग फ्लूड को यूज़ करेंगे जो कि गैस होगी, एयर हो सकती है, आर्गन हो सकती है, हीलियम हो सकती है या और कोई गैस हो सकती है, और उसकी हेल्प से टरबाइन को मूव करेंगे। टरबाइन हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो देखिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो जो कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर। तो थ्योरेटिकली हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो इसके अंदर अजम्पशन भी ली गई हैं और जो इसके अंदर माना गया है। तो सबसे पहले जो है ये है कंप्रेसर, ये फर्स्ट पार्ट है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो है वो लगभग हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज़ करते हैं या कोई और भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। तो ये हमें मान के चलना है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, जो कि एडियाबेटिक होती है और रिवर्सिबल होती है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स जब एयर इसके अंदर आएगी या कोई गैस आएगी तो वो ना तो सिस्टम से हीट लेगी और ना ही हीट देगी। तो हीट ना तो उसमें ऐड होगी और ना ही हीट वो देगी सराउंडिंग को या सिस्टम से लेगी, तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो हम इसको थ्योरेटिकली मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। तो 1 से 2 की प्रोसेस हम देखते हैं क्या होगी। तो 1 से 2 की प्रोसेस के बीच में हमारे पास है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के अंदर क्या आएगी, एयर आएगी। हम मान के चलते हैं कि हमने एयर ली है एज ए वर्किंग फ्लूड, तो एयर आएगी तो कंप्रेसर के अंदर आएगी तो वो क्या होगा, वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो हमने मान लिया कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। तो कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि कंप्रेसर का काम क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करना, लेकिन एंट्रोपी उसकी सेम रहेगी। ये हमने थ्योरेटिकली मान लिया है। तो फर्स्ट से सेकंड के अंदर यहाँ पीवी के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब भी हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। जैसे कोई गैस है, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम हमारा ये था और अब रह गया ये, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और टीएस डायग्राम के अंदर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी, क्योंकि नीचे एंट्रोपी हमने ली है, एस एंट्रोपी को दिखाता है। तो 1 से 2 हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीज दिखाएगा। तो ये थ्योरेटिकली हम मान के चलते हैं कि कंप्रेसर के अंदर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। तो 1 से 2 जाने के बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम पॉइंट 3। तो 2 से 3, 2 से 3 के बीच में हमारा पड़ता है कंबशन चैम्बर, इसको हम सीसी बता देते हैं कि कंबशन चैम्बर है। इसके अंदर क्या होगा, जो हम इसके अंदर एक्सटर्नल फ्यूल यूज़ करेंगे, एक तो एक्सटर्नल फ्यूल जो है उसको बर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर या फिर जो भी हम गैस यूज़ कर रहे हैं उनका दोनों का यहाँ पे मिक्सर नहीं होगा, यहाँ मिक्सिंग नहीं होगी, तो वो अलग अलग रहेंगी, एक तरह की हीट एक्सचेंज होगी, कि जो एक्सटर्नल फ्यूल है वो अपनी हीट को एक्सचेंज कर देगा जो भी हमारी वर्किंग फ्लूड है उसके साथ, और वो हीट यहाँ से हीट लेके आगे जाएगी, जो भी हमारी एयर होगी या गैस होगी। तो कंबशन चैम्बर के अंदर हमारा जो जो दूसरा पार्ट है वो है कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर इसके अंदर हम थ्योरेटिकली मानते हैं कि जो प्रोसेस होगी वो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन होगी। जब फ्यूल बर्न होगा तो वो गैस को अपनी हीट दे देगा, तो मिक्सिंग नहीं होगी, तो अलग अलग मीन्स एक तरह की हीट एक्सचेंज होगी। तो
तो यहाँ पे कमर्शियल चैम्बर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगी। तो 2 से 3 के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 2 से 3, ये प्रेशर की लाइन है तो इसलिए सीधी लाइन आ गई, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और अगर हम बात करें TS के अंदर, अब देखिए जब जो फ्यूल है अपनी हीट को एयर को देगा तो यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज़ हमें मिलेगा, तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज़ भी दिखाया गया है। तो कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस है और वॉल्यूम का इंक्रीज़ भी है। तो TS डायग्राम के अंदर क्या होगा, 2 से 3 के अंदर, अब 2 से 3 के अंदर जब फ्यूल ने अपनी हीट इसको दी है तो टेम्परेचर के अंदर राइज होगा। यहाँ पे 2 लिख लेते हैं हम, तो 2 से 3 के अंदर टेम्परेचर का राइज होगा। ये 2 से 3 ये टेम्परेचर वाली लाइन है, 2 से 3 टेम्परेचर का राइज होगा, लेकिन ये प्रोसेस कौन सी होगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो 2 से 3 की तरफ ये जाएगी और एंट्रोपी भी क्या है, वो भी इंक्रीज़ करेगी। जैसे ही हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है, तो यहाँ पे एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगी। तो 2 से 3 ये प्रोसेस होगी और 3 से 4 हम ये ले लेते हैं, 4 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो तीसरा जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टर्बाइन। टर्बाइन को हम मानते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे ली थी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2 कंप्रेसर, तो इसको उल्टा हम मानते हैं कि जो 3 से 4 प्रोसेस होगी वो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, लेकिन रिवर्स के अंदर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी लेकिन रिवर्स के अंदर। दोनों को हम एक उल्टा मानते हैं एक दूसरे का। तो इसके अंदर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी लेकिन जब वो हॉट गैस आएगी या एयर जो भी हीट हम ले रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ से हीट लेके आएगी तो टरबाइन के ब्लेड से जब टकराएगी तो वो एक्सपेंड होगी। तो एक्सपेंड होगी टरबाइन रोटेट करेगा और टरबाइन हमें वर्किंग देगा। टरबाइन से हमारे कनेक्ट होते हैं जनरेटर कपलिंग के थ्रू, तो जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। तो इस तरह से 3 से 4 के बीच में क्या होगा, 3 से 4 के बीच में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। 3 से 4 ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी। और प्रेशर जो है यहाँ हमें ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि जब टरबाइन के ब्लेड से वो टकराएगी तो प्रेशर हमें ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप दिखाया है और वॉल्यूम को इंक्रीज दिखाया है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो इसी तरह से यहाँ से 3 से 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, 3 से 4, और टेम्परेचर भी ड्रॉप ही यहाँ पर TS में टेम्परेचर ड्रॉप हमने दिखाया है, तो ये हमें मिलेगा 3 से 4 में। अब 4 से 1 दोबारा से जो ये साइकिल है क्लोज साइकिल के अंदर कंप्लीट होती है कि जो ये गैस काम करके आई है हम उसको, ये प्री कूलर है, फोर्थ कंपोनेंट है। कूलर हम बोल सकते हैं, प्री कूलर हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कूलर जो है वो इस गैस को कूल करेगा उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए, कि जो उसकी ओरिजिनल पहले वाली स्टेट थी उसके अंदर इसको ले आएगा। तो इसको भी हम मानते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुई थी, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगी। तो मीन्स ये इस प्रोसेस की बिल्कुल रिवर्सिबल है, जो 2 से 3 की थी वो उसकी बिल्कुल रिवर्सिबल है। तो 4 से 1 हमारी इस तरह की प्रोसेस मिलेगी हमें। 4 से 1 मीन्स हमने क्या किया, इसको दोबारा से इसको ठंडा किया और उसकी ओरिजिनल स्टेट में हम इसको ले आए, तो ये 4 से 1 इसकी ओरिजिनल स्टेट आ जाएगी। हमें वॉल्यूम में इसकी जो हमारा वॉल्यूम है वो कम होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और 4 से 1 जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेगी। तो इसी तरह से इसके अंदर TS डायग्राम के अंदर देखें तो 4 से 1 क्या होगा, एंट्रोपी कम होगी जैसे हम उसको ठंडा करेंगे, तो एंट्रोपी हमें कम मिलेगी और टेम्परेचर भी डाउन मिलेगा जैसे ही हम उसको ठंडा करेंगे। तो 4 से 1 ये भी हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, ये हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी, ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी। तो ये चारों जो कंपोनेंट हैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इस तरह से PVO TS डायग्राम बनाते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ देखने वाली है कि जो जो हमारा ये कंप्रेसर है ये टर्बाइन के साथ सेम शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट है, इनकी जो शाफ्ट है वो सेम है। तो जब टरबाइन रोटेट करता है तो वो कुछ कंपनसेट करता है अपने एनर्जी कंप्रेसर को भी रोटेट करने में, तो अपनी पावर कुछ कंप्रेसर को देता है और कुछ एक्सलरीज को भी वो देता है, बाकी की एनर्जी जो है जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जाती है। तो इस तरह से क्लोज साइकिल गैस टरबाइन वर्क करती है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है, वर्किंग फ्लूड हमारा रिपीट होता रहता है, लॉस नहीं होता। तो इस तरह से क्लोज साइकिल गैस टरबाइन हम ये दिखा सकते हैं।
थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।